Enforcement Directorate is currently conducting raids at the residence of AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh in the national capital. Several ED officials are still inside the leader's residence, while CRPF jawans have been deployed outside. Now, the Aam Aadmi Party has alleged witch hunt and has called it a fictitious scam probe, and that not even a single rupee has been recovered so far. Delhi CM Arvind Kejriwal said that such raids are being carried out as elections come closer and they are nothing but desperate attempts of a losing man. Opposition parties have also backed him. They've alleged vendetta politics and said that the ED, IT and the CBI are all BJP's allies. Notably, Sanjay Singh is under suspension from the Rajya Sabha for repeated violations of the Rajya Sabha chair's directives. ये पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है. अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं. इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुके, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है. कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया. हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली. तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला. बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं. तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है. ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ. अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए. 15 महीने से इस तथाकथित एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है. सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक एक रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है. ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार रही है. ये सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करके जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल में है और ख़ासतौर से इंडिया से जुड़े हैं. इस तरह जिस तरह सांसद जी के यहाँ पहुँच कर छापेमारी हो रही है वो निंदनीय है. या तो जनता के सामने वो सबूत और तथ्य लाएं जो अस्पष्ट रूप से उनको इंगित करते हो. संजय सिंह तो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया. अब उनके घर पर रेड्स हो रही है. क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं, गुजरात में क्यों नहीं होते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते, और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ धकले हो रही है. संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई. दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ. अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक. प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की. प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को. अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे.
इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगुटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था। वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण ख़त्म हो रही है, आम आदमी पार्टी घोटालों के कारण ख़त्म हो रही है। आम आदमी पार्टी जो आम थी, आजकल केवल प्राइवेट चार्टर जेट में घूमती है, दो दो करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमती है, 50-50 करोड़ रुपए के बंगले में रहती है, इसलिए ख़त्म हो रही है। ईडी के किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण नहीं ख़त्म हो रही, इसलिए शराब घोटाले में अगर आपने पैसे खाए हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जिस तरह से रेड्स की जा रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले? देखिए, हमने हमेशा कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि हमने कभी इररेगुलरिटीज को सपोर्ट नहीं किया है, और जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम साथ में ये भी हमारा हमेशा मानना रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज की जाए, कांग्रेस ने हमेशा उसके खिलाफ अपनी बात रखी है। क्योंकि पॉलिटिक्स में हम लोग इतने टाइम पावर में रहे, हम लोगों को बहुत लोग अपोज करते थे, तो कभी ऐसा नहीं था कि हम एजेंसीज को यूज़ करके और करें। जो गिल्टी है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरली एजेंसीज का मिसयूज खाली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो भी शराब घोटाले में है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरली वेंडेटा के रूप में एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो हम पंजाब सरकार ने करा, हमने उसका भी विरोध किया है, और केंद्र सरकार तो लगातार कर ही रही है। तो सर, जो पंजाब में चल रहा है कि आप उसको लेकर भी एक मैसेज आम आदमी पार्टी को देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैंने उस समय भी कहा था कि जो प्रथा सेंट्रल की गवर्नमेंट ने शुरू की है एजेंसीज के मिसयूज की, उसको कहीं स्टेट ने भी अडॉप्ट कर लिया, जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। Ishika is joining me live with more information on this. Ishika, of course, the political allegations and counter allegations are playing out, but are the raids still underway and what exactly is the situation right now? Well, Ashish, we are currently showing you the live visuals from inside, you know, the residence of Sanjay Singh, and you can clearly see on our screens, you know, that the ED team is still present inside, and definitely, you know, they entered Sanjay Singh's residence at 7 a.m. in the morning, and you can currently see the time. So definitely long hours of raid, and you know, it is still going on. We are seeing, you know, that the ED team is in fact checking all the documents and in fact the electronic devices in the case related to the alleged liquor policy scam. And in fact, you know, remember that in the very charge sheet, Sanjay Singh's name had appeared thrice. And now after, you know, two of the accused in this very case turned prover, now we are seeing that the raids are happening at, you know, Sanjay Singh's residence. Now, certainly, you know, the role, you know, of him making, you know, Dinesh Arora, who has now turned in approver, making him meet the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, was also responsible for this liquor policy. You know, that role of Sanjay Singh is being investigated now. Now, not just that, in fact, you know, how in fact Sanjay Singh played a big role in fact arranging money for the party fund for the elections, that is also under the ED scanner. Now, in fact, definitely we'll have to wait and watch for how long the raids will go on, but certainly a massive setback for the Aam Aadmi Party. And we did hear how the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now slammed the central government over this, saying that this is just their desperate, you know, attempts, because they know that they are losing the elections. Not just that, the Aam Aadmi Party president Arvind Kejriwal also claimed, you know, that in all the investigation and all the raids that ED has carried out till now, nothing has been found and nothing will be found even now. That are the
big claims that are being made by Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, on the other hand, we are seeing that the BJP has now attacked the, Well, absolutely. That is my colleague Ishika there, right outside Sanjay Singh's residence, getting us more information about this particular raid. But